अलीगढ़ में कुछ दिनों पूर्व हुई सनसनीखेज घटना के बाद सरकार द्वारा सभी जिलों में टीमों का गठन किया गया है। इसके तहत आज सोमवार की शाम उप जिलाधिकारी टूंडला बुशरा बानो ने खाद्य विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कार्यवाही की। यह छापामार कार्रवाई आगरा की ओर स्थित NH2 किनारे बने बाबा होटल, सत्कार होटल एंड रेस्टोरेंट व माँ दुर्गा होटल पर की गई। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने कई होटलों, रेस्टोरेंट से पनीर सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए। SDM टूंडला सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैडम, आज होटल चेक किए गए हैं, किस तरीके से ये कार्रवाई थी? ये एक्चुअली अभी हाँ, जैसे अलीगढ़ में घटना हुई, उसके अलावा खाद्य पदार्थों में भी मिलावट हो रही है, इस सबके लिए टीम्स बनाई गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से। तो हमने आज खाद्य सुरक्षा की टीम और आबकारी दोनों की टीम के साथ मिलकर होटल्स में जाके चेकिंग की और उनके जो फूड सैंपल्स लिए, साथ में शराब की दुकानें भी चेक की गई, जिससे जैसे अलीगढ़ की घटना की जैसी है वैसी पुनरावृत्ति ना हो सके। तो इसी क्रम में हमने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल जो यहाँ पर संचालित हैं हाईवे किनारे, वहाँ पर हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। तो इस दौरान कोई कमी पाई गई किसी होटल पे? अभी तो सैंपल्स लिए गए हैं, उनका चेक होगा और उसके बाद पता चलेगा। मैडम, जो गाइडलाइंस आई है उसमें जो होटलों वालों का इसमें कहना है कि इसमें बैठाल के खिलाने का ऐसा कुछ, उसके बारे में क्या है? जो हमें गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं, वो खाना बैठा के नहीं खिला सकते। तो उसी क्रम में अगर कोई रेस्टोरेंट होम डिलीवरी के साथ साथ खाना बैठा के खिला रहा है, तो अगर उसकी सूचना मिलती है उसको तत्काल कर